में बच्चा पैदा हो तो भाजपा, बच्चा बीमार पड़ जाए तो भाजपा। अरे भाई भाजपा भाजपा, ये जो फेमिया है ये दोनों युवराज को क्या लग गया है, एक उधर का युवराज एक इधर का युवराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अगर बच्चा होगा तो ये कहेंगे कि भाजपा ने करवाया है, अगर बच्चा बीमार हो जाएगा तो भी ये कहेंगे कि भाजपा ने ही करवाया है। इनका निशाना सिर्फ भाजपा पर ही रहता, जो कुछ हो इस पर ये भाजपा को ही कहेंगे। ये सारी बातें अश्विनी चौबे की। दरअसल आपको बताएं, केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचते हैं और वहां से जिस तरह से बीते दिनों बिहार के डिप्टी सीएम से स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती से सीबीआई और ईडी की पूछताछ हुई, इस पर लगातार बिहार से लेकर देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। तमाम बिहार के राजद और जदयू के जो नेता है वो लगातार भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के कर्मों का नतीजा है जो आज उनका परिवार भुगत रहा है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इनका काम है कि भाजपा को ये हर वक्त निशाना पे लेते रहते हैं और कहते हैं कि अगर बच्चा होगा तो भी ये कहेंगे कि भाजपा ने ही करवाया, अगर बच्चा बीमार होगा तो भी ये कहेंगे कि भाजपा ने ही करवाया, अपना कर्म इन्हें नहीं दिख रहा है। तो देखिए, ईडी और सीबीआई को लेकर के ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर के किस तरह से देश भर की राजनीति गरमाई हुई है, बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और बिहार की राजनीतिक गलियारों का जो तापमान है वो बढ़ता दिख रहा है। अश्विनी चौबे भागलपुर से क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से तेजस्वी यादव पर हमलावर हो रहे हैं, क्या कुछ लालू परिवार को लेकर के कह रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बातों के साथ। में बच्चा पैदा हो तो भाजपा, बच्चा बीमार पड़ जाए तो भाजपा। अरे भाई भाजपा भाजपा, ये जो फेमिया है ये दोनों युवराज को क्या लग गया है, एक उधर का युवराज एक इधर का युवराज, एक वंशवाद ये चला रहे हैं, ये दोनों युवराज वंशवाद और भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगा रहे हैं और ये बात भाजपा को कह रहे हैं। अरे भाई, आपने उस समय आपके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, मेरे साथ जेल के मित्र, मैं कहीं अभी वो पोल खोलना नहीं चाह रहा हूँ, आज खोलूंगा भी नहीं, कई बार मैंने कह चुका है, हम उस बात का जवाब दे रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए, उस समय तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उनके पिताजी जेल में थे, उस समय से भ्रष्टाचार को और जेपी जैसे लोगों से भी उनको डांट सुनना ही नहीं पड़ा, कमरे से जेपी ने भगा दिया कि भागो, 1,00,000 रुपये का कूपन का हिसाब नहीं मिला था छात्र संघर्ष समिति का। मैं जानता हूं उनके परिवार को, उनके संस्कार को भी जानता हूं, और तेजस्वी इस बात को अगर कहता है बार बार भाजपा के बारे में तो उनको मालूम होना चाहिए कि उतने बड़े नेता के वो बेटा रहे, उस समय प्रधानमंत्री को पॉकेट में रखते थे उनके पिताजी, तो क्यों नहीं सीबीआई को और ईडी को उस समय समाप्त करवा लिया अपना केस, उन्हीं के जमाने में हुआ था, यूपीए के जमाने में, और वही लोग थे, यही नीतीश कुमार थे, यही ललन सिंह थे, और यही सारे लोग चट्टे बट्टे, इन्होंने ही तो केस किया था, क्यों आज उसके गोद में खेल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को जो है गले मिल करके लपट रहे हैं, ये कौन सा कुश्ती हो रहा है, नूरी कुश्ती, और वो किस प्रकार से बीजेपी को अपमान, अरे बीजेपी स्वतंत्र एजेंसी को हमारा कोई अधिकार नहीं है, जो कर रहा है वो न्याय संगत करेगा, हमें मालूम है। और जब अगर भारत के अंदर ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा ही ईडी बनता है, सरकार के द्वारा ही सीबीआई है बनता है, लेकिन वो स्वतंत्र एजेंसी है, तो आपने उस समय आपके पॉकेट में प्रधानमंत्री रहता था और आप ही के उसी समय यूपीए के वक्त में आप जेल गए थे, यूपीए के वक्त में सारा भ्रष्टाचार का मामला खुला और वही लोग खोलने वाले थे, और आज हाय तौबा कर रहे हैं और बीजेपी को नाहक बदनाम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, रोपिएगा पेड़ बबूल का तो कांटा किसको चुभेगा, आप ही को नहीं चुभेगा, आम का फल जरदारू आम थोड़े मिलेगा खाने का भागलपुर का, अरे भाई जरदारू आम नहीं मिलेगा, रोपिएगा बबूल का कांटा तो पड़ेगा आपको दे में टाका।